गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जी। सर, चिकन पॉक्स होने के कितने दिन बाद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा सकते हैं? ओके। चिकन पॉक्स एक प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए चिकन पॉक्स तो प्रेगनेंसी में नहीं हो, यदि हो तो उसको लेके एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। बट चिकन पॉक्स से उभर के आप कम से कम 6-7 महीने रुक के फिर आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करा सकते हैं। हेलो डॉक्टर, टेल मी अबाउट एम्ब्रियो ग्लू, क्या इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है? एम्ब्रियो ग्लू फ्रॉम डेवलप्ड बाय डॉक्टर डेविड गार्डनर एंड एम्ब्रियो ग्लू इज वन ऑफ द मेथड वी गिव एन ऐड ऑन एंड इट हेल्प्स टू सम एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड तो नहीं है बट डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट वी ऑल्सो प्रोवाइड दैट सर्विस ऑफ एम्ब्रियो ग्लू माइट इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। हेलो डॉक्टर, मेरा 31st वीक चल रहा है और सोनोग्राफी में बेबी के राइट लंग्स में सिस्ट सी पाम CVR प्रॉब्लम है, क्या ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा? ये जो CPAM है ये लंग्स का एक प्रॉब्लम होता है और एडिनोमेटॉइड मैलफॉर्मेशन कंजेनाइटल पल्मोनरी, और ये इसकी डिग्री होती है। आप यदि उसका एक रेशो होता है, वो रेशो देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। आप ये ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, किसी अच्छे सोनोलॉजिस्ट से देखिए, बच्चे को यदि हाइड्रॉप्स नहीं हो रहा है, उसके पेट में पानी वगैरह इकट्ठा नहीं हो रहा है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट डिलीवरी ये ऑपरेट हो जाता है और यदि छोटा रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो ये ठीक भी हो जाता है, उसको लेके बहुत ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। सर, आई हैव बाइकॉर्नियल यूट्रस एंड माय गायनेक सेड आई हैव 2 सेक्स इन 1 हॉर्न। You have to send the report, then only I can give this comment, because it is a difficult question and difficult to understand what you are asking. Septate uterus क्या होता है? Septate uterus problem में ये है कि uterus के 2 horn होते हैं, मतलब जैसे animal में होता है, mammals में 2 tube से मिलके 1 tube बनके एक uterus बनता है human में। Animal में 2 tube रहती है, तो ये जो फ्यूजन है यदि वो इनकम्प्लीट हुआ तो कई बार एक सेप्टा रहता है। सेप्टा में एक प्रॉब्लम ये रहती है, यदि उसमें अबॉर्शन होते हैं तो हमको सेप्टा को काटना पड़ता है, क्योंकि सेप्टा में जो बीच में जो सेप्टा रहता है उसमें ब्लड सप्लाई कम रहती है। सर, यूट्रस ट्रांसप्लांट के बारे में पूरी जानकारी दीजिए और डिटेल्ड वीडियो बनाइए। यूट्रस ट्रांसप्लांट एक ऐसा मेथड है जो कि अभी एकदम नया है वर्ल्ड में और भारत में भी हो चुका है, बट यूट्रस ट्रांसप्लांट एक वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन किडनी ट्रांसप्लांट, और इसमें यदि पूरा डिटेल वीडियो बनाए तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, बिकॉज यूट्रस ट्रांसप्लांट किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, हो भी सकता है कि नहीं, कहाँ पर हो सकता है, उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं, उसमें रिजेक्शन कैसे होगा, उसमें मेंस्ट्रुएशन होगा कि नहीं, ये डिटेल ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाना आई विल ट्राई। सर, थायराइड है, पीरियड रेगुलर है, एज 44, AMH बर्न, क्या मैं खुद के एग से IVF ट्राई कर सकती हूँ? यदि आपका पीरियड रेगुलर है तो मैं पर्सनली वी आर अ नॉन डोनर IVF साइकिल, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम ट्राई करते हैं कि उसका खुद के सीड से, खुद के बीज से, खुद के गैमेट से खुद का एक बायोलॉजिकल बच्चा हो, डेफिनेटली आप करा सकते हैं। सर, एग डोनर से होने वाला बच्चा क्या DNA पेरेंट से मैच होता है? एग डोनेशन से होने वाला बच्चा जिस लेडी का एग है उसका DNA लेके आएगा, जो माँ कैरी करेगी उससे उसका DNA मैच नहीं करता। सर, मुझे एंडोमेट्रियोसिस है और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, या तो आप हमको यहाँ जबलपुर में आके दिखाइए, या फिर आप एक अच्छे गायनिक से भी मिल सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में कई बार यूट्रस में भी एडिनोमायोसिस होती है, जिसके कारण ये पीरियड डिस्टर्बेंस होता है, उसके बहुत सारे टेक्निक है उसको ठीक करने के लिए। आप अपने अच्छे गायनिक को यदि दिखाएं अपने शहर में तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। मेरा 8 ईयर का एक बेबी है और सीजियरन से है, TB होने के कारण मुझे अभी तक कंसीव नहीं हुआ सेकंड टाइम। ये बहुत कॉमन है इंडिया में कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो ट्यूबरक्लोसिस से जो फेलोपियन ट्यूब है वो खराब हो जाती है, और यदि फेलोपियन ट्यूब खराब है और एंडोमेट्रियम ठीक है और आपको यदि बच्चा चाहिए और, तो मेरा सिंपल एक आंसर रहता है कि उम्र रहते आप IVF करा लीजिए ताकि आपको एक अच्छा बच्चा प्राप्त हो जाए। महिला नसबंदी होने के बाद IVF से बच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हमारा मैं काफ़ी करता हूँ महिला नसबंदी का, यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा पुनः जोड़ने का
तो डेफिनेटली आईबीएफ एक रास्ता है, बट अगेन मैं आई एम टेलिंग, मैं फिर से कहता हूँ कि एएमएच का ध्यान रखें, उम्र का ध्यान रखें, जितना जल्दी हो सके बच्चे कर लेने चाहिए। सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 3 लाख सब्सक्राइबर, योर नॉलेज इज सुपर। थैंक यू वेरी मच, इट इज़ ए गुड फीट। और मैं अपने सुनने वालों से यही कहूँगा कि मेरा सब्सक्रिप्शन का और वॉल्यूम बढ़ाइए ताकि लोगों को ये मैसेज दूर तक जा सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगेन एवरीवन। मेरे फीमेल लिसनर्स, वेरी हैप्पी वर्ल्ड वुमेंस डे, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं।